तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और न्यू रेसिपी। इसको फलाहार बोलते हैं और ये व्रत में बनाकर खाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, कैसे बनाया जाता है इसको। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में आराधिका की कुकिंग। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए कढ़ाई रखी है और मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। आप यहाँ पर घी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने 2 से 3 चम्मच मूंगफली के दाने लिए हैं। इसको हम हल्का हल्का फ्राई कर लेते हैं। इसको आप देसी घी में भी बना सकते हैं। इनको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब ये चटकने लगे मूंगफली तो समझ लीजिए फ्राई हो गई हैं। तो देखिए मूंगफली हमारी फ्राई हो चुकी हैं। उतार लेते हैं इनको। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है 1 चम्मच और जीरा डाला है 1 चम्मच और ये मैं देगी मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ये मैंने एक हरी मिर्च डाली है बारीक कटी हुई। अच्छे से भून लेते हैं मसाले को। और अब ये मैंने 1 चम्मच अदरक डाला है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था। और ये मैंने 2 बॉइल्ड आलू लिए हैं जिसको मैंने काट लिया है। और ये मैंने नमक डाला है, ये मैं सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच अमचूर। आप नमक अपने अकॉर्डिंग डालना। अब आलूओं को बहुत अच्छे से भून लेंगे जिससे कि सारा मसाला इन पर मिक्स हो जाए इनके साथ। बहुत अच्छे से भूनना है। तो अब ये मैंने 1 कटोरी साबुदाना जिसको मैंने सुबह भिगा दिया था और अब ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और ये मैं अब इसमें मिक्स करूँगी। साबुदाने को कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए कम से कम भिगो कर रखना है, तभी ये अच्छे से फूलता है। अब हम इसमें अपनी मूंगफली जो हमने फ्राई करी थी वो भी हम डाल देंगे। और अब इस टाइम पे हमें सिर्फ इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। बस ये अच्छे से मिक्स हो जाए, हल्के हल्के हाथ से ही इसको चलाना है। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। और अब थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे इस पर। तो देखिए हमारा फलाहार बिल्कुल रेडी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। ये बहुत टेस्टी है और बिल्कुल इजी। तो ऐसी ही और रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए आराधिका की कुकिंग चैनल और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही और रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।